स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यह होता है कि बढ़ते क्रम के मतलब ये है कि हमको छोटे संख्या से बड़ी की ओर चलना, छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर हमको बढ़ना है। इसी प्रकार से हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से हमको आगे करना है। तो देखिए, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि हमको वन बाय वन सीढ़ी चढ़ता। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले नंबर, छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार हम क्रम वाय बढ़ते जाएंगे, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि हमको जो पेपर जब आता है, पेपर में हमको किस प्रकार से करना है, तो वहां पे अंक, नंबर्स आफ्टर बिफोर लिखे रहते हैं, आगे पीछे लिखे हुए रहते हैं, और उसको हमको किस प्रकार से हमको करना है, कौन सा आगे है, कौन सा पीछे है, कौन सा आफ्टर है, कौन सा बिफोर है, कौन सा बिटवीन है। ओके, अब हमको देखना है क्वेश्चन नंबर, ये वन है, क्वेश्चन नंबर वन में 3, 8, 4, 2, 1। अब इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। इसका मतलब ये कि इसको सही क्रम में जमाना है, बढ़ते क्रम में जमाना है। सबसे पहले हमको देखना है कि किस प्रकार से हम जमेंगे, वन सीढ़ी चढ़ेंगे, सेकंड सीढ़ी, थर्ड सीढ़ी, क्रम वाय हमको जमाना है। अब देखिए, ये 3 है, 8 है, 4 है, 2 है, 1। तो हमको सीढ़ी चढ़ने के लिए सबसे छोटा कौन सा है देखना है, छोटा वन है, सबसे छोटा अंक है वन, सबसे छोटा अंक पहले नंबर को यहाँ लाएंगे वन। अब वन हमने हो गया, वन के बाद आएगा टू, तो वन के बाद टू। अब टू, टू से बड़ा 4 है कि 3 है कि 8 है कि 1 है। देखो, सबसे छोटा अंक है वन, वन से बड़ा 2 और 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4 और 4 लास्ट में आगे 8, सबसे लास्ट में कौन सा है 8। असेंडिंग ऑर्डर में ये रहेगा, क्रम से लिखना, हमने फर्स्ट लिखा, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद 8। यानी कि जो यहाँ जो हमने दे रखे हैं उनमें से हमको बढ़ते घटते क्रम में बढ़ाना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। हो गया क्लियर? ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखना हमको कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। क्वेश्चन आया है कि आप अपने बुक में असेंडिंग ऑर्डर देखो, सबसे जो संख्या है, जो नंबर है 4 लिखा, 4 से बड़ा है 5, 10, 12, 6, इनमें से हमको देखना है 4 से बड़ा है 5 हो गया। अब 5 से बड़ा है 6, 6 से बड़ा है 10 और 10 से बड़ा है 12। इसका मतलब ये है कि जो ये आगे पीछे जो हम लिख रखे हैं, तो हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में सही क्रम में जमाना है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, इसी तरह 9, 7, 11, 8, 4। अब इसको देखना है इसको कैसे जमाना है। सबसे छोटी संख्या आप देखेंगे 4, सबसे छोटा नंबर है 4, 4 से बड़ा है 7, 7 से बड़ा है 8, 8 से बड़ा है 9 और 8 में आएगा 11। ठीक है, ये भी आपको समझ में क्लियर आ गया। इसी प्रकार से 2 डिजिट्स की संख्या दे रखी है, ये 1 थी, इसमें 2 है, 1, 5, 10, 1, 8, 18, 1, 0, 10,
1993 to 121। अब इसमें भी देखना हमको कब कोई है हमारा सबसे स्मॉल अंक है, सबसे छोटा अंक है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 10। तो 10 लिखा हमने, ये 10 हो गया। अब 10 से बड़ा देखेंगे हम कौन सा 10 से बड़ा है। 18 है, 15 है, 19 है, 20। 1 से बड़ा 10 से बड़ा है 15। यहां 15 लिखा, ये दो हो गया। अब 15 से बड़ा है, देखो 15 से बड़ा है 18, 18 से बड़ा है 19 और 19 से बड़ा है 21। इसका मतलब ये होता है कि सबसे छोटा जो बॉक्स है इसमें सबसे छोटे अंक में छोटा नंबर लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये अंक अगर यहां नहीं दे रखे तो हम उसको देखना है 21 है, 25 है, 24 है या जो भी है, आगे पीछे तक हमको करना है। इसी प्रकार से आपको असेंडिंग ऑर्डर को हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे और छोटे से बड़े की ओर चलेंगे इस असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये आपको करना है और इसी को आपको होमवर्क के रूप में भी करना है। यहाँ पे मैंने जो बॉक्स दे रखे हैं उन बॉक्सों में आपको ध्यान से देखना है कौन सा अंक आया। तो फर्स्ट 1, 3, 2, 5, 4, 7, 6। अब इसको देखना हमको, यहाँ पे सबसे छोटा अंक है 1 है, 1। अब ये हो गया 1, अपने आगे पीछे के आपने भी नोट कर रखे हैं 1 के बाद यहाँ 2, अब 3 इधर है या 3, अब 4 यहाँ पे इधर आना है, यहाँ 4, 5 इधर आना है, 6 इधर आया और 7 आया। ये हो गया क्लियर। देखिए इसी तरह 9, 1, 11, 1, 13, 1, 12, 1, 6, 16, 1, 4, 14, 1, 7, 7। अब देखना इसमें 9 से बड़ा 11, 11 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 13, 13 से बड़ा 14, फिर 16, फिर 17। ये भी समझ आ गया। यहां पे भी देखना तो 20, 21, 23, 22, 25, 24, 20 अब फिर 21 पास सेम है, फिर 22 आफ्टर है, तो 22, 23, 24 लास्ट 25। इसी तरह यहां पे भी देखना है 1, फिर यहां पे 2 ढूंढना है, हमें 3 के बाद यहां पे कहां है, यहां 5 है, 5 के बाद फिर यहां पे 8, 8 के बाद लास्ट 9। ये है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब, ये होता है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा अंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। यहां पे अगर ये हो तो 11, 12, 13, 14, 15 मतलब कि छोटे से आप बड़े ग्रो करते हैं, उसे असेंडिंग ऑर्डर करते हैं या अवरोही करते हैं या बढ़ते क्रम, उसका नाम एक ही है। आपको कोई देखना ही है इस प्रकार जो अंक दे रखे हैं उसमें से आपको बढ़ते क्रम में सबसे छोटे से अंक पहले लिखे, उसका उससे बड़ी, उसका उससे बड़ी, इस प्रकार आपको ये करना है। ये आपको घर पे करना है, बार बार करना है इसको। ये अंक आपने एक बार देख लिया है, एक बार आपको इसको रिक्त करके यहाँ आपको उसको देख के भी लिखना है, केवल ऊपर का क्वेश्चन लिखना है और इस बॉक्स में आपको भरना है अलग से करना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करना है, समझ आएगा आपको। ठीक,